दिनों में देखा जा रहा है किसान को पानी की जरूरत है, सिंचाई के पानी की, नहरों के पानी की। पहले जो पानी आता था वो अब नहरों में पानी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या है? मैंने कल भी स्वयं अपने साथियों सहित और वहां से एक लोग किसान एकत्रित हुए थे, हमने निरीक्षण किया था और यह पाया जब जब किसान को जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के राज में पड़ी है सिंचाई के पानी की, ये सरकार ने नहीं दिया है। पिछला एक साल का आप देख सकते हो और आज भी हम दावे के साथ कहते हैं हमारे हिस्से का पानी इस नालायक सरकार ने जो है राजस्थान में और अन्य प्रदेशों को तो भेज दिया, अपने प्रदेश के किसानों को मतलब उजड़ने का कर दिया। हमने कल भी इसका विरोध किया था और हमने कह दिया कि हम अपने किसान की लड़ाई लड़ेंगे, सिंचाई का पानी लाके रहेंगे, उसके लिए हमें धरना प्रदर्शन और जो भी करना पड़े हम उसको करेंगे। और इसके लिए हम आज सुबह भी हमने अधिकारियों से, चंडीगढ़ तक अधिकारियों से अपना अल्टीमेटम दे दिया है कि किसान का पानी लेके रहेंगे, हमारा हक है। 450 क्यूसेक हमारा हक है, 8 हमारी नहरें हैं, 2 हमारी ड्रेन है, उसमें हम पानी अपने किसानों का लेते रहेंगे। जैसे किसानों का पानी मिलता रहा था, अब पानी होते हुए हमारा हिस्से का पानी राजस्थान देते हैं ये सरकार, आप देख सकते हैं। ये किसान विरोधी सरकार नहीं है, किसान की लूट और किसान की बर्बादी वाली सरकार।